शहरी क्षेत्र के बीबीसी रोड स्थित आजाद नगर निवासी अनूप सिन्हा के घर में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद उस घर के काम का देखभाल कर रहे करबला रोड निवासी अनूप के फुफेरे चाचा हरीश कुमार सिन्हा ने घटना की जानकारी लिखित आवेदन के माध्यम से नगर थाना को दी है। घटना को लेकर अनूप के चाचा ने बताया कि आजाद नगर निवासी अनूप के घर में तोड़फोड़ का काम चल रहा था। सुबह लगभग 9 बजे उक्त घर पहुंचा तो देखा कि ताला का ऊपरी कड़ी तोड़कर बाहर फेंका हुआ है, जिसके बाद शक होने पर मेन गेट का ताला खोला। अंदर जाने के बाद देखा गया कि मेन गेट के सामने का कमरे का ताला टूटा हुआ है, जिसके बाद अंदर के कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। इस स्थिति के बाद इसकी जानकारी तुरंत मोहल्ले वालों को और 100 नंबर डायल कर पुलिस को दी गई, जिसके बाद अनूप सिन्हा की मां को वीडियो कॉलिंग के माध्यम से कमरे का दृश्य दिखाया गया। अनूप की मां ने बताया कि जमीन के कागजात समेत भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात के अलावा 4 से 5 हजार रुपए नगद चोर लेकर फरार हो गए हैं। चोरी की जानकारी मिलते ही नगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जाँच प्रक्रिया को शुरू किया। अनूप और उसका पूरा परिवार 10 दिन पहले बाहर गए हुए थे, इसी दरमियान चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया था। कल 28 तारीख के शाम को काम उम करा करके यहाँ निर्माण का काम चल रहा है चोर फोड़ का, तो काम उम करा करके शाम को मैंने लेबर पेमेंट करके हम घर चल गए। तो दूसरा दिन हम सुबह जब आए कि लेबर लोग फिर आएगा, तो हम पहले पहुँच गए, तो लगभग 8:38 बज रहा था, तो हम आए 45-49 बजे से लगभग मेरे लेबर लोग आ जाता हमारा। तो जैसे हम आए तो देखते हैं कि वो ताला हमारा जो है उसका कड़ी जो काट करके है, ये जो कड़ी है इसको काट कटा हुआ बाहर हम देखे, तो हमको एकदम हदस हो गया, डर हो गया। तो हमको मैंने कामे नहीं करने लगा दिमाग, तो मेन गेट का ताला नहीं टूटा था, वो मेन गेट का ताला की चाबी हमारे पास था। हम तुरंत मेन गेट खोल करके जैसे अंदर आए तो देखते हैं कि हमारा मेन गेट के सामने वाला गेट का ताला कटा हुआ है। अंदर गली में घर में घुसते हैं तो एक गेट का ताला को तोड़ने का प्रयास किया गया, और जब और अंदर आते हैं तो इधर अंदर में जो दरवाजा है उसका मार करके तोड़ दिया गया, ताला तोड़ दिया, और उसका अंदर लॉक भी था वो भी तोड़ दिया गया, और हमारा सामान रहता है बाहर में हमर वगैरह जो काम हमारा चल रहा है तोड़ फोड़ का, वो सामान हमारा बाहर में ही था, कटर मशीन था और ये वगैरह था। तो वो सब तो हम जब आए अंदर देखे तो हम अकबका गए, देखते हैं पूरा सामान छत बिछत एकदम इधर से उधर बिखरा पड़ा है, हमको एकदम डर हो गया, हम लोग कितना गया तो चोरी हो गया। तुरंत हम महल्ला वाला को खबर किए, उन लोग भी आया, तुरंत हम थाना को भी 100 नंबर में फोन कर दिए। हाँ, उन लोग भी मैंने तत्काल 10-12 मिनट के अंदर में उन लोग भी आ गए। उन लोग आ करके फोटो वोटो करके देख करके गए। हमने पूछा कि क्या गया, हमने सर वक्त तो हम ऐसे भी नहीं बता सकते, एक LED TV था वो, हम मैंने वो लोग कहाँ से रखा है रखा था वो सब देख लेंगे तभी बता सकेंगे, क्या हमको इसका कोई जानकारी नहीं। किनका मकान है ये? मकान है हमारा भतीजा है अनूप कुमार सिन्हा, भाई हमारा डेथ कर गए हैं सुखदेव प्रसाद, उन्हीं का लड़का है अनूप कुमार सिन्हा सतीश सिन्हा। तो यहाँ कौन रहते थे? अभी उन लोग मैंने 9 नवंबर को उन लोग आया था यहाँ मकान को बनाने के उद्देश्य, और हर साल उन लोग 1-2 महीना के लगी आ ही जाता है। हाँ, पिछला बार भी आया था लेकिन दुर्भाग्य से उनकी वाइफ का डेथ हो गया था, पहुँच बने और फिर उसके बाद 1.5 साल के बाद आया और यहाँ 3 महीना रह करके निर्माण करवा रहा था। अभी 18 तारीख को सब परिवार उन लोग गया, और कभी इस घर में कभी चोरी उरी का कभी शिकायत नहीं हुआ, एकदम आज से नहीं 20-25 बरस से ही आराम से खुला रहता है, आज तक चोरी नहीं हुआ, ये पहला घटना है जो बहुत ही ताज्जुब। क्या क्या चोरी हुआ? चोरी में तो हमरे अभी तो हम तो इनको मैंने इंक्वायरी में ही देखते हैं कि TV हमरे नजर में नहीं है, और हम जब ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग करके अपने भाई भतीजा और भाभी से बात किए तो भतीजा भाभी हमारा बोले कि काका देखिए देखे अवे लगे तो बक्सा 2-3 गो उनका बक्सा टूटा हुआ था, उसमें कुछ उनका अपना जेवर का सामान था जिसका कि हमने विवरण थाना में दिया है आवेदन में, और बताया कि कान का फूल था तो चांदी का, कमरधनी था तो चांदी का कटोरा था, और क्या कहते हैं 2-3 गो चांदी का किया था, और मैंने नगद केस भी था क्या? नगद में बोलती है कि हमारा हम छुपा के रख ले रहते हैं तो 4,000 रुपया था हमारा, वही लगभग लमसम कितना लगता है? लमसम हमको तो लग रहा है जिस तरह से विवरण हमारा भाभी बताए उस हिसाब से तो लगता है कि मैंने लाख से नीचे का नहीं है।
सब ऊपर का ही है और सब सामान अस्त व्यस्त है। माने अर्तन बर्तन को तो हम अभी चेक नहीं किए, हम छुए इसलिए नहीं कि हम जब तक हम दिखा लेंगे पहले। और थाना में बात किए कि सर हम सरियावे, तो बोले कि नहीं अभी रहने दीजिए अभी। हाँ, उस पर तो हम लिख भी दिए हैं कि सर जितना जल्दी हो सके, हम कैसे बता सकेंगे, अज्ञात लोगों पर हम एफ आई आर डाले हैं, मैंने केस करना चाह रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द उनको माने पकड़ा जाए और हमारा जो क्षति हुआ है उसको बरामद करके हमको भरपाई किया जाए। कौन रहते थे इस मकान में? क्या इस मकान में हमारा भतीजा है, दो गो भतीजा है। क्या नाम उनका? अनूप कुमार सिन्हा बड़ा और छोटा है सतीश कुमार सिन्हा, जो अभी विगत 10 दिन पहले 18 तारीख को उन लोग चेन्नई चला गया, चेन्नई में ट्रांसपोर्ट का काम। कौन लगते हैं वो? हमारा भतीजा है और मैंने हमारे पर उसका ये रहता है कि हाँ चाचा आप अभी तो काम तो करवा रहा था इसलिए है, लेकिन आज हम 20-25 वर्ष से हम ही इसको देखभाल करते हैं, हमारे भरोसे वो छोड़ के भी जाता है। क्या नाम है आपका? हमारा हरीश कुमार सिन्हा नाम हुआ।